शहर के डिग्गी मोहल्ला निवासी एक वृद्ध दंपति कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उनके मकान को तोड़ने तथा उसे खाली करने का दबाव बनाने को लेकर खासे परेशान है। अज्ञात लोगों द्वारा कई बार उसके मकान के कई हिस्सों को क्षतिग्रस्त करने के मामले को लेकर दंपति द्वारा पुलिस शिकायत करने के मामले में अब तक पुलिस प्रशासन द्वारा कार्यवाही नहीं होने से दंपति के सामने जान का खतरा भी मंडरा रहा है। पुलिस को लगातार की जा रही शिकायत के बावजूद अब तक उस पर कार्यवाही नहीं होने तथा आरोपियों के हौसले बुलंद होने से परेशान होकर दंपति ने मंगलवार को उपखंड अधिकारी राहुल जैन के समक्ष उपस्थित होकर जान तथा मकान की सुरक्षा की गुहार लगाई है। एसडीएम जैन के समक्ष उपस्थित हुए डिग्गी मोहल्ला निवासी बुजुर्ग दंपति विष्णु प्रसाद शर्मा तथा पद्मा शर्मा ने बताया कि शहर के डिग्गी मोहल्ला स्थित मकान संख्या 10/72 उनका वर्षों पुराना पुश्तैनी मकान है। उन्होंने बताया कि विगत कुछ दिनों से कुछ अज्ञात लोग उसके मकान को खाली करवाने के लिए आमादा है, जिसके फलस्वरूप अज्ञात लोग कई बार उसके मकान पर आकर तोड़फोड़ करते हुए जेसीबी की सहायता से मकान को क्षतिग्रस्त भी कर दिया है। इस दौरान उसके मकान के सारे सामान को भी तोड़फोड़ दिया है और मकान खाली करने की धमकियां देते हुए इसके अभाव में जान से मारने की भी धमकी दे रहे हैं। दंपति ने बताया कि इस बाबत 25 सितंबर को सिटी थाना पुलिस में आईपीसी की धारा 427, 452, 147 में एक फौजदारी प्रकरण दर्ज करवाया था, लेकिन पुलिस ने इस प्रकरण में अब तक कुछ भी नहीं किया है और प्रकरण को केवल जांच में रखा हुआ है। पीड़ित विष्णु प्रसाद शर्मा ने बताया कि इस संबंध में न्यायालय ने भी एक वाद चल रहा है। 30 सितंबर को न्यायालय में प्रकरण को लेकर तारीख पेशी थी और वह पेशी पर गए हुए थे और पीछे से अज्ञात लोगों ने एक बार फिर उनके मकान में जेसीबी से तोड़फोड़ कर दी। इस संबंध में भी सिटी थाना पुलिस को शिकायत दी गई, बावजूद इसके कोई कार्यवाही पुलिस द्वारा नहीं की गई। पीड़ित ने बताया कि पुलिस के संरक्षण के चलते आरोपियों के हौसले बुलंद हैं और बार बार मकान में तोड़फोड़ करते हुए जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। पीड़ित शर्मा ने बताया कि दोनों पति पत्नी गंभीर बीमारी से ग्रसित है और असामाजिक तत्वों की ओर से बार बार की जाने वाली तोड़फोड़ से भयभीत होकर खौफ के साए में जीवन बसर कर रहे हैं। शर्मा दंपति ने उपखंड अधिकारी से इस प्रकरण में कोई ठोस कार्यवाही कर जान माल की सुरक्षा करवाने तथा आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही कर न्याय दिलाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में अखिलेश माली, वेद प्रकाश ओझा, रमेश शर्मा, चंद्रकांता ओझा तथा संजीव अग्रवाल आदि शामिल थे। 10/72 है, इसको पूरी तरह से जेसीबी से तोड़कर तहस नहस कर दिया। ब्यावर के इतिहास में 80 साल का मैं हो गया हूँ, मैंने कभी ऐसी घटना नहीं देखी। जैसे सारा सामान, पट्टियाँ, फ्रीज, जो है टेलीविजन और जितना भी सामान था मेरा, फर्नीचर, सब जेसीबी से तोड़ दिया जिसको देखा जा सकता है। इसके लिए मैंने पुलिस में भी अनुरोध किया, FIR लिखाई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरन मेरे को यहाँ SDO साहब के पास मैं ज्ञापन देने के लिए आया हूँ और अभी मेरी सोने की कोई व्यवस्था नहीं है। और वो ऐसी गली है डिग्री मोहल्ले की, सारा ब्याह का यातायात वहाँ से होता है, सब लोग झांक के देखते हैं और इतनी बड़ी घटना हुई है, पुलिस हो रही है, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। जब मैं मरम्मत करा रहा था तो पुलिस वाले रोज दिन में 4 बार आते थे, क्या काम बंद कर दो, काम बंद कर दो, रजिस्टर है क्या। मेरा परिवार 150 साल जब से ब्यावर बसा है तब से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। मेरे दादाजी को मरे हुए 125 साल हो गए, आज की तारीख में भी पानी का बिल उनके नाम आ रहा है। कागजात जितने भी हमारे पास हैं, हो सकते हैं फुटबुल भी हो सकते हैं, पानी भरता है, बिजली का बिल हमारे सबके, आज मैं 80 साल का हूँ। मेरे बड़े भाई भी होते तो 100 साल के होते, पिताजी 125 साल के होते, दादाजी 150 साल के होते, और मुझे जो है पुलिस तंग कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं करी। जेसीबी का हमने नंबर दे दिया तोड़ने आया, जो सरेआम गुंडागिरी हो रही है और जो है इस तरह से बाजार में तोड़ फोड़ करके पट्टियां गिरा के, मैं भी कहाँ रुकूँ, कहाँ करूँ। अगर मान लो कोई विवाद है तो न्यायालय में सर बेचारा दिन है, इसका मतलब गुंडागिरी थोड़ी ही होगा। गुंडागिरी करके आप जब शांति भंग कर रहे हैं और जो है हर प्रकार से मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। मेरी पत्नी जो कि बीमार है और जब उसे पीड़ित है और ये आज कहाँ मजबूर, हम कहाँ सोए, कहाँ रहे। हाथों में सोने के कंगन और गले में हीरो का हार, कृष्णा ज्वेल्स का लेटेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन त्योहारों में करे आपका सच्चा श्रृंगार। 3-5 अक्टूबर तक ग्रैंड एग्जीबिशन एंड ज्वेलरी पर स्पेशल ऑफर्स एंड अशॉर्ट गिफ्ट्स के लिए विजिट कृष्णा ज्वेल्स, होटल राजमहल प्रीमाइसेस ब्यावर, TNC अप्लाई।
हाथों में सोने के कंगन और गले में हीरो का हार। कृष्णा ज्वेल्स का लेटेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन त्योहारों में करे आपका सच्चा श्रृंगार। 3 से 5 अक्टूबर तक ग्रैंड एग्जीबिशन एंड ज्वेलरी पर स्पेशल ऑफर्स एंड अशॉर्ट गिफ्ट्स के लिए विजिट कृष्णा ज्वेल्स, होटल राजमहल प्रीमाइसेस, ब्यावर। TNC अप्लाई।